नमस्कार, मैं प्रियंका त्यागी सरस्वती पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है भाषा। भाषा क्या होती है? बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना भाषा कहलाता है। आज हम एक स्टोरी के माध्यम से आपको यह समझाएंगे। यह है अंजुम। अंजुम की माँ ने अंजुम को गुस्से में डांट दिया। अंजुम से गलती हुई तो उसकी माँ ने उसे डांटा। अब अंजुम ने लिखकर अपनी माँ से माफ़ी मांगी और माँ ने उसे बोलकर समझाया। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अंजुम ने अपनी माँ से लिखकर माफ़ी मांगी और माँ ने उसे बोलकर समझाया। हम बोलकर या लिखकर अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और यही भाषा का सुदरूप होता है। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला रूप मौखिक और दूसरा लिखित। भाषा का मौखिक रूप क्या होता है? अब आप देखिए, यहाँ पर ये दादाजी हैं। दादाजी अपनी बात बोलकर समझा रहे हैं। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, इसमें एक व्यक्ति बोलने वाला है और एक व्यक्ति सुनने वाला है। जब हम अपनी बातों को बोलकर किसी को बताते हैं और दूसरा सुनकर हमारी बातों को समझता है तो यह भाषा का मौखिक रूप होता है। जैसे आप लोग टीवी देखते हो, टीवी देखकर हम टीवी को देखकर और सुनकर उनकी बातों को समझते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप होता है। अब हम बताते हैं भाषा का लिखित रूप। अब इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर यह लड़की पत्र पढ़ रही है। क्या कर रही है? पत्र पढ़ रही है। तो एक व्यक्ति लिखने वाला होता है और दूसरा व्यक्ति पढ़ने वाला। जब हम दूसरे की बातों को पढ़कर समझते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप होता है। अब आप किसी को लिखकर अपनी बातों को समझाएंगे और दूसरा इंसान आपकी बातों को पढ़ेगा तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। आज का हमारा प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? प्लीज़ लिखकर हमें भेजें। थैंक यू।